ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ यहाँ पे देखिए, प्लीज़ देखिए भाई, मैंने आपको ये बोला था कि आज जो है मैं SI स्टार्ट करूँगा, और SI को भी बेटा आप मैं टाइप वाइज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ SI। चलिए बेटा, सबके सब आ जाइए लाइव, सबके सबको बता दीजिए, जितने भी बच्चे हैं सबको ये बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब पहले में हम क्या करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे आराम आराम से, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर करेंगे हम क्वेश्चंस। क्लियर है बेटा? तो देखिए भाई, पहले यहाँ पर देखना प्लीज़, सबके सब यहाँ पे आ जाओ। देखिए, सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं बेटा इंटरेस्ट की। किसकी बात करने वाले हैं? इंटरेस्ट मतलब ब्याज की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? ब्याज की। देखिए, ब्याज क्या होता है? ब्याज का मतलब होता है पैसे को बढ़ाना। ब्याज का मतलब होता है पैसे को बढ़ाना। अरे क्लियर है या नहीं है? तो अब आप बताइए, ब्याज अगर पैसे को बढ़ा रही है, मतलब वो प्लस कर रही है माइनस कर रही है? प्लस। तो ब्याज को हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लस। और बेटा प्लस क्या होता है? एक चेंज होता है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो ब्याज है ये नथिंग बट एक चेंज है। चेंज का मतलब बदलना, जिसे हिंदी में कहेंगे बदलना। और बदलने की बात होती है दो तरह से, प्लस से और माइनस से। लेकिन याद रखना कि जो ब्याज होता है वो हमेशा चीज़ों को बढ़ाता है, पैसे को बढ़ाता है, वो कभी घटाएगा नहीं। इसका मतलब ये एक स्पेशल टाइप का चेंज हुआ विच इज़ कॉल्ड प्लस। और आप बताइए, अगर ये प्लस है, अगर ये बदलना प्लस है, तो आप बताइए, क्योंकि आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, और परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपके बोला था कि जहाँ भी चेंज आएगा वहाँ हमेशा दो वैल्यू बनेंगी। इसका मतलब ब्याज के केस में भी दो ही वैल्यू बनेंगी। कौन कौन सी दो वैल्यू बनेंगे बेटा? इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल देख लो भाई, जिस दिन से परसेंटेज स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेके आज तक सबका सब हर चैप्टर का नाम चेंज ही है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है प्लस और माइनस। उसके बाद डिस्काउंट, कल मैंने पढ़ाया था, डिस्काउंट से पैसा कम होता है, वो स्पेशल टाइप का चेंज होता है माइनस। और ये एक स्पेशल टाइप का चेंज है, दैट इज प्लस। तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने परसेंटेज में प्लस और माइनस पढ़ लिया, उस प्लस माइनस को चेंज करके नाम करके आपने लाभ हानि पढ़ ली, उसी को आपने माइनस के तौर पर बट्टे के रूप में पढ़ लिया, और आज उसी को एक स्पेशल केस प्लस वाले केस को पढ़ा रहा हूँ मैं एज अ इंटरेस्ट। क्लियर है? तो आप बताइए, इंटरेस्ट क्या होती है, ब्याज क्या होती है? तो ब्याज का मतलब होता है वृद्धि करना। किस में वृद्धि करना? पैसे में वृद्धि करना, मतलब प्लस। और प्लस क्या है बेटा? एक चेंज। और जहाँ चेंज आएगा वहाँ हमेशा कितनी वैल्यू बनेंगी बेटा आपकी? दो। कौन कौन सी दो वैल्यू बनेंगी? तो आप कहेंगे एक तो बनेगी इनिशियल और एक बनेगी फाइनल। इसका मतलब अगर कभी भी हम ब्याज की बात करेंगे तो हमेशा हमें दो बात करनी पड़ेंगी। पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल हमें कुछ करना पड़ेगा, और उनका जो डिफरेंस होगा वो हमें ये बताएगा कि कितना चेंज आया। चेंज का मतलब कितनी ब्याज बनी। बोलो क्लियर हुआ? अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि बेटा ये इनिशियली हमें करना क्या पड़ता है ब्याज के लिए। तो ये जो इनिशियल वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं धन को उधार देना। आपको धन उधार देना है, धन को उधार देना है, या किसी से धन उधार लेना है। जब आप किसी को धन उधार दोगे या उससे कोई धन उधार लोगे तो आपका फंडा स्टार्ट हो जाएगा ब्याज का। किसका फंडा स्टार्ट हो जाएगा? ब्याज का। क्लियर हुआ? और जो ये उधार धन होता है इसी को एक नाम दिया जाता है जिसे बोला जाता है मूलधन। कौन सा धन बेटा? मूलधन। बोलो क्लियर हुआ? तो ये बेसिकली जब कभी भी हम चैप्टर पढ़ेंगे ब्याज, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सबसे पहले आपको धन उधार लेना पड़ेगा या किसी को धन उधार देना पड़ेगा, और उसी धन को हम बोलेंगे बेटा मूलधन। क्या बोलेंगे बेटा? मूलधन। अब जब आप धन को उधार दोगे या किसी से धन उधार लोगे तो आप हमेशा दो बातें सेट करनी पड़ेंगी आपको। कौन कौन सी दो बातें? कि ये जो धन आपने उधार लिया है या किसी को धन उधार दिया है ये कितने टाइम के लिए उधार दे रहे हो। मतलब एक पैरामीटर फिक्स करना पड़ेगा टाइम का, कि जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपको कितने टाइम बाद वो धन वापस मिलेगा या फिर आपको वो धन कितने टाइम बाद लौटाना है। क्लियर हुआ? और दूसरा एक पैरामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं ब्याज, और इसको फिक्स करने वाला पैरामीटर होता है ब्याज की दर। कौन सा दर बेटा? ब्याज की दर, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो क्लियर हुआ? तो सबसे पहले धन उधार लो, मतलब मूलधन, और उस मूलधन पर दो पैरामीटर सेट करो, टाइम और रेट परसेंट। अब क्या होगा,
अब बेसिकली क्या होगा कि जब आपने धन उधार लिया या किसी को धन उधार दिया, तो इस उधार धन पे इतने टाइम के अंदर इस रेट परसेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ आपका धन बढ़ेगा, और जो धन बढ़ेगा उसे ही हम कहेंगे ब्याज। क्या कहेंगे बेटा? ब्याज। अरे क्लियर हुआ? और जब ये ब्याज को जब आप टी टाइम बाद जाओगे फाइनली लेने, तो आपको फाइनली जो धन वापस मिलेगा वो कौन कौन सा मिलेगा? तो एक तो वो धन वापस मिलेगा जो आपने उधार दिया था, जिसे आपने बोला है मूलधन, और इसके बाद जो ब्याज बनी है वो भी आपको मिलेगी। इसका मतलब आपको एक धन नहीं मिलेगा, वास्तव में आपको कितने धन मिलेंगे बेटा? दो धन। कौन कौन से? मूलधन और उसके साथ साथ ब्याज। इसका मतलब ये दो धनों का मिश्रण मिलेगा आपको। कौन कौन से दो धनों का मिश्रण मिलेगा फाइनली आपको? मूलधन का और ब्याज का। और ये मिश्रण है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो धन बनेगा इसे बोलेंगे हम मिश्र धन। क्या बोलेंगे बेटा? मिश्र धन। तो वही जो धन शुरुआत में मूलधन मूलधन था, वही धन टी टाइम के बाद इस ब्याज की दर के हिसाब से फाइनली बन चुका है मिश्र धन। कौन सा धन बेटा? मिश्र धन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्याज एक चेंज होता है, और चेंज होता है प्लस टाइप का, और जहां भी चेंज होगा वहां दो वैल्यू बनेंगी, इनिशियल और फाइनल। और जिस इनिशियल वैल्यू को इस चैप्टर में कहा जाता है मूलधन, और उस फाइनल वैल्यू को कहा जाता है मिश्र धन। बोलो क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। सर आप बताइए, जब आप इस इनिशियल और इस फाइनल का आपस में अंतर लेंगे, तो इसके अंतर से आपको पता चलेगा कि कितना धन बढ़ा है। अरे क्लियर हुआ? और वही बढ़ा हुआ धन क्या कहलाएगा बेटा आपका? दैट इज अ ब्याज। वो क्या कहलाएगा बेटा? ब्याज। इसका मतलब ये है कि जो ब्याज होता है वो मूल मिश्र धन और मूलधन का क्या होता है बेटा? अंतर। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा, वही अंतर हमें ये बता देगा कि हमारा धन कितना बढ़ा, मतलब हमारी कितनी ब्याज बनी। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो समझ आया क्या? अब बात आपको सेट हो गई। अब आप बताइए कि आपको मैंने ये अच्छे से पढ़ाया है कि जो चेंज होता है वो हमेशा किस वैल्यू पर निकाला जाता है, तो आप बताइए चेंज हमेशा किस वैल्यू पर निकाला जाएगा? तो जल्दी बोलिए। तो बेटा आप कहेंगे यार चेंज का मतलब है ब्याज, यहाँ पर चेंज का मतलब किस बात से है? ब्याज। और चेंज जो होता है वो हमेशा इनिशियल पे निकाला जाता है, इसका मतलब ब्याज को किस पर निकाला जाएगा? मूलधन पे निकाला जाएगा। कौन से धन पे निकाला जाएगा? मूलधन पे। और जो ये ब्याज मूलधन पे बनेगी, इसी चीज को कहा जाता है, तो एक बात गौर से सुनना, जो ब्याज मूलधन पे बनी, कितनी ब्याज कितने धन उधार लेने पर बनी, इसी ब्याज को जब आप मूलधन के रिलेटिव में देखोगे तो ये एक परसेंटेज डिफाइन करेगी। अरे क्लियर है? तो आपकी बात ये सेट होगी कि कितनी ब्याज बनी और डिवाइडेड बाय कितने मूलधन पे बनी। अगर आप इस रेशियो को देखें तो आपको ये पता लगेगा कि कितना चेंज हुआ, और इसी रेशियो में अगर हम गुणा 100 कर दें तो यही जो होगा यही बनेगा ब्याज का परसेंटेज, जिसे हम बोलते थे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते थे? कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो यहां पर चेंज क्या है? ब्याज। इनिशियल क्या है? मूलधन। तो ब्याज बटे मूलधन जो होता है ये है परसेंटेज चेंज, और इसी परसेंटेज चेंज को नाम दिया गया प्रतिशत ब्याज। क्या कहा गया? प्रतिशत ब्याज। और इसी प्रतिशत ब्याज को कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहा जाता है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस दुनिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अपने दिमाग में आज बसा लेना इस बात को कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ब्याज और मूलधन का अनुपात होता है, यानी कि कितनी ब्याज कितने मूलधन पर बनी, इस चीज को परसेंटेज में जो बोला जाता है उस ब्याज परसेंटेज को ही क्या कहा जाता है? ब्याज की दर। तो बेटा एक बात गौर से सुन लो, अगर आपके सामने जो मैंने ये लिखा है अगर आपके दिमाग में घुस गया तो चीजें आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा, सारी बात करूंगा, लेकिन ध्यान रख लेना ब्याज को दो तरह से पढ़ाऊंगा, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज की बात हो, सबसे इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो होती है दोनों चैप्टर में वो होती है ब्याज की दर। और आज इस ब्याज की दर को मुझे डिफाइन करना है, और आज मुझे सबसे पहले ब्याज की दर को समझाना है। आप बताइए ब्याज की दर आपको समझ आई या नहीं आई?
आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन सर एक बात गौर से देख लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, गौर से समझना। आपको न्यूमेरिकल्स में अगर कभी कोई ये पूछ ले कि ब्याज की दर क्या होती है, ब्याज की दर क्या होती है, तो आपको बस मेरी बताई हुई दो बातें ध्यान होनी चाहिए, बस आपको मेरी बताई हुई दो बातें ध्यान होनी चाहिए बस। अगर कोई आपसे कहे ब्याज की दर क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, तो आप फूट गमार भाषा में बोल दीजिए, देखो बड़े प्यारे ढंग से लिखा है मैंने यहां पर कुछ, ब्याज की दर कुछ नहीं बल्कि जो ब्याज परसेंटेज में होती है उसे कहते हैं ब्याज की दर। सीधी सीधी भाषा बोलो, अगर कोई गांव का आदमी मिल जाए वो कह दे भैया ये बता मेरे को नहीं आती गणित वणित, मेरे को नहीं आता कुछ समझ, तू मुझे ये समझा कि रेट परसेंट क्या होता है, तो सिंपल भाषा में बोल दो कि भाई साहब जो ब्याज परसेंटेज में होती है उस परसेंटेज ब्याज को ही कहा जाता है ब्याज की दर। अरे क्लियर है, जो ब्याज परसेंटेज में बनेगी उसी ब्याज को कहा जाएगा ब्याज की दर। बोलो क्लियर हुआ। और दूसरी बात, ये बात याद रखना मैथ के अकॉर्डिंग, ये तो भाषा के अकॉर्डिंग याद रखेंगे आप, ये तो भाषा में बात याद रखना कि ब्याज की दर क्या होती है, और दूसरी बात मैथ के अकॉर्डिंग क्या याद रखोगे कि मैथ के अकॉर्डिंग भाषा रेट परसेंट क्या होती है, तो सीधा बोलेंगे आप रेट परसेंट होती है ब्याज और मूलधन का अनुपात। देखो ये भी मैंने आपको सामने समझाया है, ब्याज बटे मूलधन का जो ये अनुपात होता है इसे ही कहा जाता है आपका ब्याज की दर। बोलो क्लियर हुआ, ये वाली डेफिनेशन देखो ये रही। सर समझ में आई बात आपको? तो आपको मोटा मोटा समझ आना चाहिए कि चाहे हम एसआई की बात करें चाहे हम सीआई की बात करें, ये दोनों ही ब्याज के अंदर आपको सबसे पहले धन को उधार लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मूलधन। और जब आप धन उधार लोगे तो उसे किसी टाइम पर डिसाइड करोगे और उस टाइम के अंदर कुछ ब्याज लोगे, जिस ब्याज को डिसाइड करेगा ब्याज की दर, जिसको डिसाइड करेगा ब्याज की दर। तो इस मूलधन पर इतने टाइम में इस रेट परसेंट के हिसाब से बनेगी ब्याज, और इस ब्याज के बाद बनने के बाद जब आप फाइनली जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, मूलधन प्लस ब्याज, ये दो धनों का मिश्रण मिलेगा, इसलिए इस मिश्रण को कहा जाएगा मिश्र धन। इसका मतलब इनिशियली था मूलधन, फाइनल बन गया मिश्र धन, और इन्हीं दोनों का जो अंतर होगा वो आपको ये बता देगा कि भैया कितनी ब्याज बनी, मतलब कितना चेंज हुआ। और क्योंकि चेंज हमेशा इनिशियल में आता है और इनिशियल की जगह पर बैठा है मूलधन, इसका मतलब ब्याज हमेशा निकाली जाएगी मूलधन पर, यानी ब्याज हमेशा किस पे निकाली जाती है बेटा, मूलधन पर। इसलिए ब्याज की जो परसेंटेज होती है वो होती है ब्याज, कितनी ब्याज बनी डिवाइडेड बाय कितने मूलधन पर इंटू 100, और जो ये ब्याज की परसेंटेज होती है इसी ब्याज की परसेंटेज को कहते हैं मोटी मोटी भाषा में ब्याज की दर। आपको ये समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब आपको मैं ये समझाऊंगा कि ये जो ब्याज है ये दो टाइप की कैसे कैसे होती है, जल्दी फास्ट। पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो इतना फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, गौर से सुनना। अब देखिए भाई, बेटा अभी मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको इनिशियली मूलधन की बात करनी पड़ेगी, मतलब धन को उधार लेना पड़ेगा, और ये मूलधन फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा मिश्र धन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मिश्र धन में। बोलो क्लियर है। और इन दोनों के अंतर से हमें क्या पता लगेगा बेटा, ब्याज। क्या पता लगेगा बेटा, ब्याज। बोलो क्लियर हुआ। अब आप बताइए बेटा, ये जो ब्याज बनेगी ना, ये ब्याज भी दो तरह की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, दो टाइप की। अरे कितने टाइप की होती है बेटा, दो टाइप की। कौन कौन सी? एक तो होती है सिंपल इंटरेस्ट, एक तो होती है सिंपल इंटरेस्ट, और एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होती है सिंपल इंटरेस्ट और एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलो क्लियर हुआ भाई। एक तो होती है साधारण ब्याज, हिंदी में इसे कहते हैं साधारण ब्याज, और इसे कहते हैं भाई चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो क्लियर हुआ भाई। एक होती है साधारण ब्याज, एक होती है चक्रवृद्धि ब्याज। अब पहले ये सुन लीजिए इन दोनों में अंतर क्या है,
क्योंकि भाई साहब ये बहुत जरूरी है आपको अंतर जानना, क्योंकि जब तक आपको ये अंतर नहीं पता होगा आप ब्याज को कभी क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई हमें साधारण ब्याज में क्या करना होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना होता है। तो अब गौर से एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, प्लीज सुनना। अगर मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये उधार लिए या 10000 रुपये उधार लिए और आपने उधार लिए ये 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष, और आपने ब्याज लेनी है हर वर्ष 20% की, कितने परसेंट की बेटा, 20% की, बोलो क्लियर हुआ। तो आपने डाटा क्या ले लिया बेटा, कंडीशन क्या ले ली, कंडीशन सुनना, कंडीशन क्या है जो आपने ली है, मूलधन तो लिया है उधार आपने 10000 रुपए का, आप ब्याज लोगे हर वर्ष 20% की, हर वर्ष का मतलब पर एनम, 20% पर एनम, और आपने उधार लिया है धन को 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। यही सेम कंडीशन में यहां लेके चलूंगा कि आपने 10000 रुपए ही उधार लिए, आपने ब्याज लेनी है 20% की पर एनम, और इसके बाद में आपका जो टाइम है वो है 3 वर्ष। अब डिफरेंस समझ लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि भाई 10000 रुपए पर आपका CI का मतलब क्या होगा और SI का मतलब क्या होगा, बोलो क्लियर हुआ। हर वर्ष है 20%, 20% और 20%, बोलो क्लियर हुआ। तो यहां पर देखो भाई, अब पहले सुन लो थोड़ा, वो बहुत जरूरी है जानना। देखिए भाई, यहां पर देखिए भाई, आप बताइए पहले वर्ष ब्याज कितनी बनी, तो आप कहेंगे यार परसेंटेज में तो ब्याज, देखो ध्यान रखना, मोटी मोटी भाषा बता रहा हूं, जो ब्याज होती है परसेंटेज में वही होती है ब्याज की दर, यानी कि ब्याज की दर ही हमें ये बताएगी कितनी ब्याज बनेगी। तो आप बताइए कितनी ब्याज बन रही है पहले वर्ष, 20%, और ये 20% अगर आप बोलेंगे कि पहले वर्ष कितनी ब्याज लूंगा मैं, तो आप कहेंगे 20% लूंगा, लेकिन आप बताइए जो ये 20% ब्याज बनेगी ये कौन से धन पे निकलेगी, क्योंकि परसेंटेज तो किसी ना किसी वैल्यू का निकलता है, तो वो किसका निकलेगा बेटा, मूलधन का। तो पहले वर्ष आपने 20% लेना है 10000 का, तो बताओ 10000 का अगर 20% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 20 × 100 ये आएगा आपका 2000 रुपए। इसका मतलब पहले वर्ष ब्याज कितनी बन गई, 2000 रुपए। अब पहले वर्ष बाद क्या हुआ, पहले वर्ष बाद हुआ 10000 रुपए में 2000 रुपए जुड़ जाएंगे ब्याज के और मिश्रित धन बन जाएगा 2 वर्ष बाद 12000 रुपए का, बोलो क्लियर हुआ। अब आप जाएंगे दूसरे वर्ष पर, अब ढंग से समझ आएगा SI क्या होता है। अब आप बताइए दूसरे वर्ष ब्याज कितनी बन रही है, 20%। आप बताइए अगर मुझे ब्याज निकालनी है तो ब्याज तो मुझे पता है 20%, लेकिन परसेंटेज किसी वैल्यू का निकलेगा, तो इससे पहले मूलधन, इससे पहले धन 12000 भी पड़ा है और इससे पहले धन 10000 भी पड़ा है, लेकिन अगर हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो हम 20% अगेन इस 12000 का नहीं निकालेंगे, हम किसका निकालेंगे, 10000 का। तो अगेन 20% 10000 का ही आएगा अगर हम बात साधारण ब्याज की कर रहे हैं, तो मूलधन का लेंगे हम इस 12000 का नहीं लेंगे। तो भाई 10000 पर 20% निकालोगे तो अगेन ब्याज कितनी बनेगी, 2000, बोलो क्लियर है। इस 12000 में 2000 जुड़ के अब ये मिश्रित धन हो जाएगा 14000, बोलो क्लियर हुआ। अब आपने तीसरे वर्ष फिर ब्याज लेनी है, तो तीसरे वर्ष ब्याज कितने परसेंट बनेगी, तो आप कहेंगे 20% बनेगी, और 20% किसका निकाला जा सकता है, 14 का भी निकाला जा सकता है, 12000 का भी निकाला जा सकता है, 10000। लेकिन अगर ये साधारण ब्याज है तो ये 20% तीसरे वर्ष भी ना तो 14 पे निकलेगा ना 12 पे निकलेगा, ये निकलेगा किस पर, 10000 पर। तो मूलधन पे ही आप हमेशा ब्याज निकालते रहेंगे और ये अगेन ब्याज कितनी बन जाएगी बेटा, 2000, और 14000 में 2000 जुड़ के ये फाइनल कितना बन जाएगा, 16000। तो भैया अगर कोई आपसे ये पूछे कि साधारण ब्याज क्या होती है ये बताओ, तो साधारण ब्याज मोटा मोटा सुन लो, साधारण ब्याज वो ब्याज है जो हर वर्ष कौन से धन पर निकल रही है, मूलधन पर। चाहे आपका धन कितना भी बढ़ जाए, आपने शुरुआत में जो उधार लिया ब्याज हमेशा उस पे ही निकलेगी, यही कहलाती है ब्याज आपकी साधारण ब्याज, बोलो क्लियर हुआ। तो साधारण ब्याज वो ब्याज होती है जो प्रत्येक वर्ष हमेशा किस पे निकाली जाती है, मूलधन पे निकाली जाती है। सर समझ में आई बात, तो मोटी मोटी भाषा में सुन लो, अगर कभी कोई आपसे कहे कि साधारण ब्याज क्या होती है, तो सीधा बोलो मूलधन की ब्याज, मूलधन की ब्याज, जो मूलधन की ब्याज होती है उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। इसका मतलब साधारण ब्याज में सिर्फ हमें किससे मतलब है भाई साहब, मूलधन से।
शुरुआत में कितना ले रहे हो, बाद में तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उस बढ़े हुए धन पे कभी ब्याज नहीं निकलेगी, ब्याज हमेशा उसी पे निकलेगी जो पहले आपने धन उधार लिया था। इस ब्याज को बोलते हैं साधारण ब्याज। बोलो क्लियर हुआ। लेकिन अब समझिए चक्रवर्ती ब्याज क्या है। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होती है, गौर से सुनना भाई। तो आप बताइए पहले वर्ष कितने परसेंट ब्याज बन रही है, तो आप कहेंगे 20%। और 20% अगर ब्याज बन रही है तो भैया आप बताइए ब्याज 20% तो किसी का निकलेगी, तो पहले वर्ष हमेशा कौन सा धन आपके सामने है, 10,000। तो आपका पहले वर्ष जो चक्रवर्ती ब्याज निकलेगा वो 10,000 पर ही निकलेगा, और 10,000 पर परसेंटेज से 2 जीरो उठा दो, ये ब्याज कितनी बनेगी बेटा, 2,000। इसका मतलब पहले वर्ष के लिए आपकी सीआई जो बनेगी, आपकी जो चक्रवर्ती ब्याज बनेगी वो 2,000 ही बनेगी। अब एक बात और सुन लो, यहां पर भी किसका निकला था पहले वर्ष के लिए, 10,000 का, और यहां भी किस पे निकला है, 10,000 का। इसका मतलब यह है कि पहले वर्ष के लिए हमेशा और हमेशा, चाहे चक्रवर्ती की बात करो चाहे साधारण की बात करो, पहले वर्ष के लिए हमेशा जो ब्याज होगी वो हमेशा किस पे निकलेगी, मूलधन पे निकलेगी। किस पे निकलेगी बेटा, मूलधन पे। इसका मतलब देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर द फर्स्ट ईयर ऑन द सेम प्रिंसिपल, ऑन द सेम प्रिंसिपल विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सेम प्रिंसिपल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर बात की जाए तो पहले वर्ष के लिए कभी भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ। लेकिन जैसे ही 10,000 में 2,000 जुड़ेंगे तो ये मिश्रधन बनेगा 12,000। क्या बनेगा, 12,000। अब आप आ जाइए यहां पर, दूसरे वर्ष फिर ब्याज बनेगी 20%, लेकिन ये 20% किसका निकालूंगा मैं, 10,000 का भी निकाल सकता हूं और 12,000 का भी निकाल सकता हूं। लेकिन अगर आपने दूसरे वर्ष 10,000 पर ही निकाल दी, इसी धन पे निकाल दी, तो भैया ये चक्रवर्ती नहीं है, ये साधारण ब्याज बन जाएगी। तो इसका मतलब 10,000 पे नहीं निकालोगे, अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है तो अब ये बढ़े हुए धन पे निकलेगी, मतलब मिश्र धन, मतलब किस पे, 12,000 पे। अब परसेंटेज से 2 जीरो उठाओ, आज ये ब्याज बनेगी 12×2=2400 रुपए। बोलो क्लियर हुआ, अरे समझ में आई बात। और अब आप बताओ 12,000 में 2400 ब्याज अगर जोड़ोगे तो भैया ये बताओ ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 14,400। बोलो क्लियर हुआ। अब आप बताइए अगर तीसरे वर्ष ब्याज निकालनी है, चक्रवर्ती ब्याज, अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है तो आप बताइए तीसरे वर्ष ब्याज किस पे निकाली जा सकती है, 10,000 पे भी, 12,000 पे भी और 14,400। लेकिन अगर चक्रवर्ती ब्याज है तो ये 10,000 पे नहीं निकलेगी, ये 12,000 पे नहीं निकलेगी। अगर निकालनी है तो किस पे निकालो, 14,400 पर। अरे क्लियर है। तो 14,400 पर कितनी ब्याज बनेगी, तो परसेंटेज 2 जीरो उठाओ, ये हो जाएगी 0 और 8, 8, 2, तो आंसर हो जाएगा 2880 रुपए। इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज कौन सी ब्याज है जो हर वर्ष कौन से धन पे निकल रही है, अपने वर्ष के पहले वर्ष के मिश्र धन पर, अपने वर्ष से पहले वर्ष के मिश्र धन पर। तो मोटी मोटी भाषा में बोलेंगे आप कि चक्रवर्ती ब्याज वो ब्याज होती है जो पहले वर्ष के मिश्र धन पे निकाली जाए, पहले वर्ष के मिश्र धन पे जो निकाली जाए उसे कहते हैं भाई साहब क्या, चक्रवर्ती ब्याज। बोलो क्लियर हुआ। और यहां एक वर्ड आ गया मिश्र धन, और सबके सब बताओ मिश्र धन का मतलब क्या बताया था मैंने, तो आप बोलेंगे यार मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। इसका मतलब यह हुआ कि चक्रवर्ती ब्याज वो ब्याज होती है जो हर वर्ष मूलधन पे तो निकलेगी लेकिन ब्याज पे भी ब्याज निकलेगी। इसका मतलब मूलधन की ब्याज तो है सिर्फ साधारण ब्याज, और मूलधन के साथ साथ ब्याज पे ब्याज भी, ये दोनों ही मिलके जो ब्याज बनेगी वो है चक्रवर्ती ब्याज। अरे समझ में आ गई बात। इसका मतलब अगर हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो हम सिर्फ किसकी ब्याज से बात किया करेंगे, मूलधन से। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो मूलधन कितना बन जा रहा है फाइनली, हमें कोई मतलब नहीं है। सारी ब्याज किस पर सेट करेंगे हम, मूलधन पर। ये होती है आपकी साधारण ब्याज। अरे क्लियर है। और चक्रवर्ती ब्याज वो होती है जो मूलधन के साथ साथ किसकी ब्याज ली जाए, ब्याज पे ब्याज। अरे क्लियर हुआ। इसका मतलब ये ब्याज अगर सेम प्रिंसिपल पर बात करोगे, सेम प्रिंसिपल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टाइम के लिए बात करोगे, तो सीआई हमेशा ज्यादा होगी, सीआई जो होगी वो हमेशा आपकी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। सीआई हमेशा ज्यादा होगी एसआई से, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका मूलधन भी सेम होना चाहिए, रेट परसेंट भी सेम होनी चाहिए और टाइम भी सेम होना चाहिए। जब ये तीनों पैरामीटर सेम हो और जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि सीआई हमेशा ज्यादा बनेगी और एसआई हमेशा आपकी क्या बनेगी बेटा, कम बनेगी। बोलो क्लियर हुआ यहां तक। वेरी गुड।
आज आपको डिफरेंस समझ आ गया, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1, दैट इज एसआई। सर समझ में आई बात? आज मैंने डिस्कशन कर दिया, देख लो फिर दोबारा मैंने क्या बताया। पहले मैंने आपको समझाया था इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होती है। ब्याज से आपको सब कुछ समझ आ गया। अब मैंने आपको ये बता दिया वो ब्याज दो तरह की होगी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट पहले खत्म करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी तक कोई स्टार्टिंग नहीं हुई है, अभी तक बस मैंने ये बताया सिंपल इंटरेस्ट क्या है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फास्ट फास्ट। ले लिया क्या बेटा? इतना लिख लिया, डिफरेंस समझ आ गया सबको? अब डिफरेंस समझ आ गया, अब सुन लो भाई एक इंपॉर्टेंट बात। अब एक बात सुन लो कि इन दोनों चैप्टरों के अंदर ब्याज की बात हो रही है, इन दोनों चैप्टरों के अंदर ब्याज की बात हो रही है, तो अब मैं आपको यह बता देता हूं कि इस पूरे चैप्टर में आप किस किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन इन बोथ द चैप्टर्स, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन बोथ द चैप्टर ऑफ एसआई एंड सीआई, हम दोनों ही चैप्टरों को कैसे खत्म करेंगे, किस किस टाइप के हिसाब से क्वेश्चन खत्म करेंगे, ये आप देख लीजिए प्लीज। ये मैं आपको यहां दिखा दे रहा हूं ताकि किसी को रटना ना पड़े। ध्यान रखना मैं तीन टाइप पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको तीन टाइप पढ़ाऊंगा, और तीन ही टाइप क्यों पढ़ाऊंगा ये भी आप समझ लीजिए। दोनों ही चैप्टर में तीन टाइप पढ़ाऊंगा, अब ये समझ लीजिए ऐसा क्यों। तो गौर से सुनिए सर, यहां पर टोटल देखिए सारी ब्याज की बात तो यहां है, आप बताओ इस पूरे ग्राफ के अंदर कौन कौन सी चीज अननोन है, जल्दी बोलो। तो आप कहेंगे यार एक तो है आपका मूलधन, देखो गिनना, एक हो गया मूलधन, एक हो गई आपकी बनने वाली ब्याज, और एक हो गया आपका मिश्रधन। तो ये आप बताओ ये सारे के सारे तीनों के तीनों धन है, मतलब धनराशि है। तो एक बात ध्यान रखना, एक तो टाइप पढ़ेंगे हम पूरा का पूरा धनराशि निकालना, चाहे वो धन मूलधन हो, चाहे वो धन ब्याज हो, चाहे वो धन मिश्रधन हो, हम इस पूरे टाइप को एक टाइप में पढ़ देंगे, दैट इज धनराशि। बोलो क्लियर हुआ? इसके बाद दो पैरामीटर और बच गए, देखो एक टाइम बच गया और एक रेट परसेंट बच गया। तो एक टाइप पढ़ेंगे हम टाइम निकालना और एक टाइप पढ़ेंगे हम रेट परसेंट निकालना। तो गौर से सुन लो, दोनों ही चैप्टरों को मैं तीन ही तरह से बताऊंगा आपको। तो टाइप सुन लो, पहले हम टाइप पढ़ेंगे रेट परसेंट। क्यों पढ़ेंगे रेट परसेंट? क्योंकि भाई साहब यही वो है जो एसआई और सीआई की आत्मा है। अरे ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे एसआई सीआई की आत्मा क्या है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस की आत्मा रेट परसेंट को माना जाता है। अगर तुम रेट परसेंट पर अच्छी कमांड करना सीख गए तो आप ये समझ लो आपका उद्धार हो गया एसआई और सीआई में। सर समझ में आई बात? इसके बाद में दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे टाइम निकालना। क्या निकालना? टाइम निकालना। तो ये होगा हमारा दूसरा टाइप। बोलो क्लियर हुआ? तो रेट परसेंट निकालना पहला टाइप, दूसरा टाइप आपका होगा टाइम निकालना, और तीसरा टाइप होगा धनराशि निकालना। क्या निकालना? धनराशि। अब चाहे वो धनराशि तीन तरह की में से कोई भी निकलवा सकता है, चाहे वो चाहे तो मूलधन निकलवा सकता है, हम मूलधन भी निकालना सीखेंगे, चाहे वो चाहे तो ब्याज निकलवा सकता है, हम वो भी निकालना सीखेंगे, और चाहे तो वो मिश्रधन निकाल सकता है, हम मिश्रधन भी निकालना सीखेंगे। तो ये होगा आपका तीसरा टाइप। तो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली तीन टाइप पढ़ेंगे, ध्यान रखना बेटा। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम तीन टाइप पढ़ेंगे, पहला रेट परसेंट, दूसरा टाइम, और तीसरा धनराशि निकालना, और धनराशि भी तीनों पढ़ डालेंगे, चैप्टर हमें आसानी से समझ आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? इसके बाद एक केस और रह जाता है जिसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, वो टॉपिक अलग है, उसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन में बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन फ्री रहे आप। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर समझ में आई बात? चलिए भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास है आपकी दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में स्टार्ट करिए, हेडिंग डालिए टाइप 1 सभी के सभी। अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं हम साधारण ब्याज। कौन सी ब्याज बेटा? साधारण ब्याज। अब समझना भाई, अब चैप्टर स्टार्ट हुआ है साधारण ब्याज। अब तक मैंने आपका बेस तैयार कर दिया, जिन लोगों को एसआई और सीआई समझ नहीं आती होगी उन्हें आज अच्छे से कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि ब्याज क्या है, एसआई क्या है, सीआई क्या है। अब चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा पूरा। अब सुनो भाई, अब देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, गौर से सुनिए।
सिंपल इंटरेस्ट। अब चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, सुन लो भाई, बेस तैयार कर दिया, सारे लोगों का बेस तैयार कर दिया। अब यहां देख लो चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट होती है मूलधन की ब्याज, एक वो ब्याज जो मूलधन पे निकाली जाए, मूलधन की ब्याज को बोलते हैं क्या बेटा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसमें हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे, टाइप वन पढ़ेंगे, क्या क्या निकालना, रेट परसेंट निकालना, जो कि पूरे चैप्टर की जान है, जिसे हिंदी में कहते हैं ब्याज की दर। क्या कहते हैं बेटा, ब्याज की दर। बस ये सुन लो, आज यही टॉपिक क्लियर करूंगा आपका अच्छे से, इस टॉपिक को ढंग से सुन लेना, और ये टॉपिक क्लियर हुआ तो आप ये समझो आपका बेड़ा पार। और क्लियर है तो सुनिए भाई, और मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आज ब्याज की दर क्या होती है। देखो भाई, तो देखिए भाई, पहली डेफिनेशन सुन लो, पहली बात तो एक बात और सुन लो भाई, ब्याज की दर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसके पीछे क्या लिखा है, वार्षिक, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक। और ये जरूरी नहीं है कि यही लिखा हो, वो कह दे प्रति पांच महीने, कुछ भी बोल सकता है भाई वो, ETC कुछ भी बोल सकता है। तो ध्यान रखना, वैसा आपको इनका कोई मतलब नहीं, इनका इतना मतलब पता होना चाहिए कि इनका टाइम पीरियड क्या होता है। तो वार्षिक का मतलब होता है एक वर्ष, अर्धवार्षिक का मतलब आधी साल मतलब छह महीने, त्रैमासिक का मतलब तीन महीने, और प्रति पांच महीने का मतलब प्रति पांच महीने, कुछ भी कह सकता है वो। क्लियर है? तो एक बात ध्यान रखना, वार्षिक ब्याज की दर का मतलब है एक वर्ष की ब्याज, अर्धवार्षिक ब्याज की दर का मतलब है छह महीने की ब्याज, त्रैमासिक ब्याज की दर का मतलब है तीन महीने की ब्याज, और आपके अगर बोल दे मासिक ब्याज की दर क्या है तो वो एक महीने की ब्याज। बोलो क्लियर है? और ध्यान रखना भाई साहब, आपसे मिस्टेक ही यहां होगी, पीछे लोग पढ़ते ही नहीं है, बस परसेंटेज पढ़ते हैं, और मैं आपको पहले बता दे रहा हूं परसेंटेज के साथ साथ पीछे जरूर देखना है कि वो क्या बात कर रहा है। अरे क्लियर है? अब यहां पे डेफिनेशन सुन लो, मैं आज आपको रेट परसेंट बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, यहां देखो पहले और फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो यहां पर पहली बात बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, किसी को कोई मैथ रटने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई मैथ याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भेजे में घुसा दूंगा रेट परसेंट क्या होती है। देखो यहां पर रेट परसेंट की बात को समझे, रेट परसेंट क्या होती है तो बेटा बात गौर से समझिए, रेट परसेंट आप बताओ, सबके सब बताओ, तुम सबके सब बताओ, अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो परसेंटेज हटाने पर नीचे 100 आता है, तो आप कहेंगे यार रेट परसेंट का मतलब है आर बटे 100। मोटी मोटी भाषा ये, जिसको थोड़ी भी मैथ आती होगी वो इतना तो जानता ही होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसका अलावा रेट परसेंट का मतलब होता है आर बटे 100। अब इसको कैसे पढ़ोगे यार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था रेट परसेंट होता है ब्याज बटे मूलधन, इसका मतलब आर क्या डिनोट कर रहा है ब्याज को, और 100 क्या डिनोट कर रहा है मूलधन को। तो ले भाई पहली डेफिनेशन लो, पहली डेफिनेशन क्या हुई, अब देखो भाई मजा का मजा, देखो यहां पहली इंपोर्टेंट बात, पहली इंपोर्टेंट बात, सारी बात यहां से निकाल के लाऊंगा, आर परसेंट होता है आर बटे 100, और आर हो गया ब्याज, और ये हो गई 100 मूलधन। इसका मतलब नीचे से ऊपर पढ़ो, इसका मतलब अगर आपने 100 रुपए किसी से उधार लिए होते या किसी को उधार दिए होते, अगर 100 रुपए का मूलधन होता तो उस 100 रुपए के मूलधन पर आर परसेंट के हिसाब से कितनी ब्याज बनी होती, आर रुपए। 100 रुपए के मूलधन पर आर परसेंट के हिसाब से क्या बनी होती, आर रुपए ब्याज बनी होती, और यही आर रुपए तो आर परसेंट है। अरे बोलो, इसका मतलब 100 रुपए के मूलधन पर, 100 रुपए के मूलधन पर, 100 रुपए के मूलधन पर जो ब्याज बन जाए, जो ब्याज बन जाए आर रुपए, उसी आर को कहा जाता है ब्याज की दर, ब्याज की दर। सर समझ में आई बात? तो ब्याज की दर की मोटी मोटी डेफिनेशन होती है 100 रुपए पर बनने वाली जो ब्याज होती है आर, वही होती है ब्याज की दर आर परसेंट। बोलो क्लियर हुआ? अगर ये ब्याज बने एक वर्ष में, कितने वर्ष में बेटा, एक वर्ष में, तो इसे हम बोलेंगे आर परसेंट वार्षिक ब्याज की दर। कौन सी ब्याज की दर? वार्षिक ब्याज की दर। अगर ये ब्याज बने छह महीने में तो इसे बोलेंगे हम छमाही दर। कौन सी दर? छमाही दर। अगर ये बने तीन महीने में 100 रुपए पर तो ये हो जाएगी त्रैमासिक दर। कौन सी दर? त्रैमासिक दर। अगर ये बने एक महीने में तो ये हो जाएगी आर परसेंट की मासिक दर। अरे क्लियर हुआ? इसका मतलब 100 रुपए पर जो ब्याज बन गई वही ब्याज की दर है। आज इतना बात दिमाग में घुसा लो, बात खत्म। 100 रुपए की ब्याज हमेशा ब्याज की दर। 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज बनी, सीधा 5%। 100 रुपए पर 7 रुपए ब्याज बनी, सीधा 7%। 100 रुपए पर 2.5 रुपए ब्याज बनी, सीधा 2.5%।
अगर वो 6 महीने में बनी तो 2.5% छमाही दर, अगर वो 2.5 रुपये 100 रुपये पर 2.5 रुपये ब्याज 1 साल में बनी तो वो 2.5% वार्षिक दर। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ो भाई। अब सुनना, एक आता हो 100 रुपए को गांव में क्या बोलते हैं? 100 रुपए को बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं? सैकड़ा। इसका मतलब सैकड़ा पर जो ब्याज बनती है उसे ब्याज की दर कहेंगे ना। तो इसका मतलब दूसरी डेफिनेशन यहीं से ले लो, दूसरी डेफिनेशन यहीं से ले लो, ब्याज की दर का मतलब होता है प्रति रुपए सैकड़ा की ब्याज, प्रति रुपए सैकड़ा की ब्याज। अरे क्लियर हुआ? इसी चीज को भाषा में, मोटी मोटी भाषा में गांव में बोला जाता है कि सैकड़ा पर कितना दे रहा है। सैकड़ा माने 100, 100 रुपए पर जो ब्याज है। मान लो ज्यादातर आपने 2.5 रुपए देख सुनी होगी, 100 रुपए पर 2.5 रुपए की ब्याज, मतलब 2.5 रुपए सैकड़ा की ब्याज, और 2.5 रुपए सैकड़ा का मतलब होता है सीधा सीधा 2.5%। अरे क्लियर है या नहीं है? अगर आपने 100 रुपए पर 7 रुपए ब्याज दिया, इसका मतलब 7 रुपए सैकड़ा की ब्याज चल रही है, और 7 रुपए सैकड़ा का मतलब हो गया सीधा सीधा 7%। अरे क्लियर है या नहीं है? चलिए भाई अगली बात सुनो, अगली बात गौर से सुनो। आप बताइए, अगर मैं इसी डेफिनेशन को, पहली डेफिनेशन को अगर गौर से देखूं, पहली डेफिनेशन को गौर से देखूं, तो दोनों तरफ 100 से भाग कर दो, दोनों तरफ अगर मैं 100 से भाग करूं तो यही 100 रुपए बन जाएगा 1 रुपए। कौन सा रुपए बन जाएगा? 1 रुपए। और यह निकल रही है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, जिसे लोग रटाते हैं। लो समझा दी तुम्हें, क्या 100 से दोनों तरफ कर दो डिवाइड, अगर 100 से 100 को डिवाइड करोगे तो बनेगा 1 रुपए। क्या बनेगा? 1 रुपए। 100 को 100 से डिवाइड करोगे बनाया 1 रुपए, और 100 से यहां भाग कर रहे हो तो यहां भी भाग करोगे। इसका मतलब 1 रुपए पर जो ब्याज बनेगी वो बनेगी R/100। और भैया R/100 को क्या मैं बोल सकता हूं यही R% होता है, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। इसका मतलब अगर तुम ब्याज को परसेंटेज में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है? 1 रुपए। अरे समझ गए? अगर तुम बोलते हो ना कि 5% की ब्याज, तो 5% की ब्याज का मतलब मूलधन सिर्फ 1 रुपए है। अरे समझ गए? और परसेंटेज हटा के अगर 5 बोल रहे हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मूलधन 100 रुपए है। अरे बात समझ में आई? तो 100 रुपए पर अगर ब्याज बोलोगे तो सीधा वैल्यू में बोलोगे 5 रुपए, और अगर तुम 1 रुपए पर ब्याज बोलोगे तो उसे परसेंटेज में बोलना पड़ेगा 5%। ये डिफरेंस है छोटा सा। अरे समझ गए आप? इसका मतलब परसेंटेज में पढ़ोगे तो मूलधन तुम्हारे अकॉर्डिंग 1 रुपए। अरे कितने रुपए? 1 रुपए। और तब से तो मैं R% ही चला रहा हूं, तो आज आपको पता लग गया R% कितने रुपए की ब्याज होती है। तो मेरे लल्ला ये होती है 1 रुपए के मूलधन की ब्याज, 1 रुपए के मूलधन की ब्याज। अरे क्लियर है? 1 रुपए के मूलधन की जो ब्याज होती है, मूलधन की जो ब्याज होती है वही पड़ी जाती है R%। लेकिन कितने रुपए की? 1 रुपए की। कितने रुपए की? 1 रुपए। तो 1 रुपए की ब्याज को बोलते हैं R%। 100 रुपए पर रुपए में जो ब्याज बनती है वो होती है R%। बोलो क्लियर हुआ? सर समझ में आई बात? इसका मतलब 100 रुपए पर ब्याज निकल जाए, समझ जाओ रेट परसेंट आ गया। अगर रेट परसेंट पढ़ना हो तो रेट परसेंट का मतलब है मूलधन को 1 रुपए पर मानो, यानी 1 रुपए उधार लिया था तब 5% बनी है। बोलो क्लियर हुआ? और अगली बात सुनना भाई, हेलो अगली बात सुनना। और एक भाषा मैंने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखाई थी, और वो क्या लिखाई थी आपको वो सुन लो। एक इंपोर्टेंट बात और है, और वो और सुन लो। अब अगर चौथी डेफिनेशन क्या है तो वो ये है, वो भी बहुत इंपोर्टेंट है, कि जो ब्याज की दर होती है R% वो कुछ नहीं, जो ब्याज परसेंटेज में होती है, जो ब्याज परसेंटेज में होती है उसे कहते हैं ब्याज की दर। ये भी आप याद रख लेना। तो मेरी बताइए 3 बातें याद रखना, कि अगर ब्याज की दर क्या होती है तो आप सीधी सीधी बोलो जो ब्याज परसेंटेज में वही ब्याज ब्याज की दर। पहली बात खत्म। इस बात का न्यूमेरिकल में 1 सेकंड में यूज करूंगा। अगर कभी ब्याज की दर देगा, ब्याज की दर पूछेगा, मतलब मुझे ब्याज परसेंटेज में निकालनी है। और एक बात आओ, एक बात आओ, अब तुम कहोगे यार इसका क्या यूज है, हमें तो तुम फॉर्मूला याद करवा दो। तो एक बात आओ, वो बहुत बार कह देगा ब्याज बनी 3/4, बताओ ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज तो दे रखी है ना रेशियो में, अरे रेशियो में दे रखी है ना ब्याज। अब ब्याज की दर पूछ रहा है, ब्याज दे रखी है रेशियो में मान लो, और कह रहा है ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर के लिए क्या करना है भाई, ब्याज को परसेंटेज बनाना है, और रेशियो को परसेंटेज बनाने के लिए बस गुणा 100 करना है। तो ज्यादा माथा पच्ची मत करना, उस रेशियो में डायरेक्ट गुणा 100 करना, डायरेक्ट आंसर 25 से 75%, खत्म बात। अरे नहीं यही बात समझ? तो जो ब्याज परसेंटेज में है वही ब्याज की दर है, 100 रुपए पर जो ब्याज बन रही है वही ब्याज की दर है, और 1 रुपए पर R% में पढ़ना, 1 रुपए पर जो ब्याज बन रही है वही ब्याज की दर है। बोलो क्लियर है या नहीं है? बात समझ आई या नहीं आई? वेरी गुड। अब आप समझ लीजिए भाई, यहां तक बात क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा भाई, सब बात मैंने बता दी। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो मोटी मोटी बात का, और फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन।
ब्याज की दर को मैंने समझा दिया, ब्याज की दर क्या है वो सुन लीजिए, और एक डेफिनेशन और बच गई। ब्याज की दर मैंने बोला था क्या होता है बेटा, एक रेशियो होता है। ब्याज की दर क्या होता है? एक रेशियो। किसका? ब्याज का और मूलधन का। ब्याज का और मूलधन का। बोलो क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? चलिए भाई अब एक काम करते हैं, जो हमने सीखा है अभी इसको है ना एक ही पॉइंट में लिख देता हूं मैं सारे को। देखिए भाई सुन लेना भाई, ब्याज की दर क्या है? तो पहली डेफिनेशन क्या देखी, ब्याज की दर का मतलब होता है जो ब्याज परसेंटेज में होती है उसे बोलते हैं ब्याज की दर। पहली डेफिनेशन क्लियर सबको? दूसरी डेफिनेशन, ब्याज की दर क्या होती है? तो मैथ के अकॉर्डिंग ये होता है ब्याज और मूलधन का रेशियो। सुन लेना रे, अब जो समझाया उसे मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूं। ब्याज की दर क्या होती है? तो आप ये बोल सकते हैं एक रुपए की जो ब्याज होती है वही होती है आपकी आर परसेंट, और वही होती है ब्याज की दर। और तीसरी बात यह होती है कि सौ रुपए, अगर एक रुपए की जगह पर सौ रुपए पढ़ोगे तो सौ रुपए का मल्टीप्लाई करोगे, एक रुपए को सौ रुपए बनाने के लिए सौ का गुणा करोगे, और जैसे यहां पर सौ का गुणा करोगे सौ से परसेंटेज खत्म होके सिंपल ये आर रुपए ब्याज बनेगी। तो सौ रुपए पर आर रुपए में जो ब्याज बनती है यही होती है ब्याज की दर। बोलो क्लियर हुआ? बस ये डेफिनेशन सुन लो, चैप्टर खत्म। चैप्टर नहीं, टाइप खत्म। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, इससे बाहर कभी नहीं सोचना आपको। सीधा सीधा बात खत्म। चलिए भाई आपको चीजें समझ आ गई क्या? चीजें समझ आ गई क्या? चलिए भाई अगर आपको चीजें समझ आ गई हो गौर से सुनिए। अब मैं आपको वो फॉर्मूला करवा देता हूं, बहुत सारे लोग है ना फॉर्मूले के पीछे भागते हैं एसआई के अंदर। लो भाई मेरी इस डेफिनेशन को सुनना, ये वाली डेफिनेशन को देख लेना, एक रुपए की जो ब्याज होती है वही होती है ब्याज की दर। लो लो भैया एसआई का फॉर्मूला सुनो। एसआई क्या होती है? साधारण ब्याज क्या होती है? एसआई का फॉर्मूला सुन लो। एक रुपए पर बनने वाली ब्याज, एसआई का मतलब है जो ब्याज परसेंटेज में वही तो निकालनी है। एसआई का मतलब है जो ब्याज परसेंटेज में है वही तो निकालनी है, उसी तो एसआई निकालेंगे। तो बेटा आपको एसआई का मतलब ब्याज निकालनी है, तो एक रुपए की ब्याज, एक रुपए की ब्याज को बोलेंगे आर परसेंट। बेटा ये एक रुपए की ब्याज है, एक रुपए की ब्याज, एक रुपए की जो ब्याज है वो है आर परसेंट। कितने टाइम में? अगर ये वार्षिक मानी तो मैंने एक वर्ष में, एक रुपए की एक वर्ष में, एक रुपए की एक वर्ष में बनने वाली ब्याज आर परसेंट हो गई। तो टी टाइम में कितनी ब्याज बनेगी? इंटू टी कर दो, तो ये एक वर्ष टोटल टी टाइम में एक रुपए पर बनने वाली ब्याज है। और एक रुपए की ब्याज अगर आर परसेंट इंटू टी है तो पी रुपए, अगर मूलधन उधार लिए तो पी रुपए पर कितनी ब्याज बनेगी? तो इंटू पी और कर दो। तो बस यही तो फॉर्मूला आपने रटा है। तो बेटा यहां से देख लो आर परसेंट की डेफिनेशन सेट है क्या नहीं है। एक रुपए की ब्याज आर परसेंट, तो पी रुपए की ब्याज पी आर परसेंट, और वो एक वर्ष की है। टी टाइम की ब्याज कितनी होगी? इनटू टी। आप बताओ फॉर्मूला अब आपके दिमाग में सेट हो गया, ये एसआई बराबर पी आर टी परसेंट कैसे बनता है? अरे बोलिए यार, तो एसआई के अंदर ये फॉर्मूला सेट हो गया होगा अगर आपको डेफिनेशन मेरी ये क्लियर हो गई तो। एक रुपए की ब्याज का मतलब आर परसेंट, एक रुपए की ब्याज आर परसेंट, तो पी रुपए की ब्याज पी आर परसेंट। अगर पी रुपए की ब्याज पी आर परसेंट तो वो एक वर्ष की है, तो टी टाइम की ब्याज बनेगी इंटू टी, इसलिए ऐसा ही बनेगी टोटल पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। आंसर इज ओवर। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ गए या नहीं समझे? चलिए भाई आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अब धमाल मचाएंगे बढ़िया तरह से, जल्दी फास्ट फास्ट। पहला क्वेश्चन आंसर बताइए, अब टाइम नहीं लगना चाहिए सबको, अब कोई टाइम नहीं लगाएगा, बस आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट फास्ट। आ जाओ भाई जितने भी धुरंधर हो, जिनको समझ आ गया हो अब मैदान में आ जाओ। अब जितने भी लोग हो सबके सब मैदान में आ जाओ। अब सीख रहे हैं बेटा साधारण ब्याज का रेट परसेंट निकालना। देखो यहां देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण ब्याज के अंतर्गत 3000 रुपए की धनराशि उधार दी गई, 3000 रुपए की धनराशि दो वर्ष के लिए उधार दी गई, और दो वर्षों में ये कितनी बन गई? 3600। बोलो क्लियर है क्या? तो कह रहा है ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर का मतलब है या तो 100 रुपए की ब्याज निकाल दो तो ब्याज की दर हो जाएगी। अरे समझ गए,
और ब्याज की भी कौन सी दर निकालनी है बेटा, प्रतिवर्ष माने वार्षिक दर निकालनी है। तो अब आप बताओ, एक सेकंड में आप बताइए, ब्याज बताइए, अगर मूलधन 3000 रुपए उधार लिया और अगर वो 3600 हो गया तो ब्याज कितनी बनी ये बता दो। 600, 600 रुपए ब्याज बनी, लेकिन 600 रुपए ब्याज आप बताइए कितने वर्ष में बनी, 2 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितनी ब्याज बनेगी, तो 2 से काट दीजिए, एक तरह से मोटा मोटा 300 रुपए ब्याज बनी। अरे बोलिए यार, और एक बार बताओ 300 रुपए ब्याज कितने पे है, 3000 पे। अगर मैं यहीं के ही दोनों को 3 से काट दूं तो एक तरह से 1000 रुपए पर कितनी ब्याज है, एक तरह से 100 रुपए। और 1000 रुपए पर अगर 100 रुपए है तो अगर दोनों की एक एक जीरो हटा दूं तो आप बताइए 100 रुपए पर कितने रुपए ब्याज है, 10 रुपए। और 100 रुपए पर जो ब्याज होती है वही क्या होती है, ब्याज की दर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आ जाएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एनम। खत्म आंसर। आंसर कौन सा राइट है बेटा, डी। ये मैंने मोटा मोटा हिसाब करना सिखाया है आपको बेहतरीन। आप बताइए जल्दी फास्ट, 3000 रुपए 3600 हो गए तो ब्याज कितनी बनी, 600। 600 ब्याज बनी 2 वर्ष में, तो एक वर्ष में 300। 300 ब्याज बनी 3000 पर, तो अगर दोनों को 3 से काटूं तो 1000 पर 10, और 1000 पर 10 तो 100 रुपए पर, सॉरी 1000 पर 100 तो 100 रुपए पर 10, 100 रुपए पर 10 का मतलब 10%। खत्म क्वेश्चन। अरे क्लियर हुआ सर, समझ में आई बात। मैं लैंग्वेज से क्वेश्चन कराऊंगा, मैं ऐसा ही बराबर PRT/100 नहीं करूंगा। आज गौर से सुनते रहना, आपको ब्रिलियंट वे से समझा दूंगा ब्याज की दर क्या होता है। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी फास्ट। अगला क्वेश्चन आंसर बताइए जल्दी फास्ट, ये वाला क्वेश्चन नहीं, आंसर बताएंगे ये वाला। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी फास्ट, सबके सब आ जाओ, आज बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा ब्याज की दर क्या होता है। ब्याज की दर क्या होता है बेहतरीन तरीके से समझ लो आज। ब्याज की दर का मतलब है जो ब्याज परसेंटेज में है वही ब्याज की दर है। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक धनराशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, एक वर्ष की ब्याज निकालनी है। आप बताओ ब्याज की दर क्या होती है, रेट परसेंट क्या होती है। तो आप कहेंगे यार ब्याज की दर होती है जो ब्याज परसेंटेज में होती है उसे कहते हैं ब्याज की दर। ले भैया अब ध्यान और रख लेना मेरे लल्ला, अगर कभी आपको धनराशि ना दे रखी हो, ये 2 गुना 3 गुना वाले क्वेश्चन कभी आए, और ज्यादातर ये बहुत बार आते हैं, तो इन क्वेश्चनों में परसेंटेज में तो निकालनी है ब्याज, तो डाटा को परसेंटेज में सेट कर दिया करो। लो एक लाइन में आंसर खत्म। तो एक धनराशि, तो धनराशि को हम हमेशा कितने परसेंट मानते हैं बेटा, 100। तो 100% धनराशि एक तरह से हमारे अकॉर्डिंग 10 वर्ष में 3 गुना हो रही है, मतलब 3 गुना होने का मतलब 300%। तो आप बताइए भैया 100% से अगर 300% हो रही है तो ब्याज कितने परसेंट बन रही है, दोनों का अंतर बताओ 200%। और 200% ब्याज, ले ब्याज परसेंटेज में निकालनी थी आ गई 200%। आंसर खत्म। लेकिन बस एक बात और ध्यान रख लो, ये वार्षिक पूछ रहा है एक वर्ष की, ये ब्याज 200% कितने वर्ष की है, 10 की। अगर 10 वर्ष की 200% तो एक वर्ष की कितनी, 10 से भाग कर दो, आंसर आ गया 20%। खत्म आंसर, आंसर इज ओवर। बेटा ध्यान रखना ऐसा ही बराबर PRT/100 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें निकल के तो वहीं से आई है ना, अगर कोई मीनिंग समझ गया तो चीजें लाजवाब तरीके से खत्म है। तो एक बात गौर से सुन लो, अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है इसका मतलब ब्याज परसेंटेज में निकालनी है, और ब्याज परसेंटेज में निकालनी है तो धनराशि को परसेंटेज में ही लेके चल लो। अगर ये धनराशि आपकी कितनी है बेटा 100%, और ये 100% धनराशि 10 वर्ष में अगर 3 गुना हो रही है मतलब 300%, तो ब्याज कितनी बनी 200%, और 200% ब्याज बनी कितने वर्ष में, 10, तो एक वर्ष में कितनी बनी 20%। खत्म, जो ब्याज परसेंटेज में आ गई वही मेरा आंसर है। सर समझ में आई बात, बेहतरीन तरीके से आंसर बताएंगे नेक्स्ट। जल्दी फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अब ब्याज की दर निकालना सीख लो भाई, ब्याज की दर निकालना सीख लो, सबके सब देख लो, बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। बस ध्यान रखना, ब्याज की दर निकालने का मतलब है ब्याज परसेंटेज में निकालनी है। देखो यहां पर धनराशि नहीं दे रखी, 100% मान के क्वेश्चन सोचो, देखो बड़े आसानी से खत्म हो रहा होगा। देखो ब्याज की दर निकालनी है क्वेश्चन में, ब्याज की दर का मतलब ठूठ गंवार भाषा में होता है ब्याज को परसेंटेज में निकालना है। किसमें निकालना है, परसेंटेज। तो क्वेश्चन पढ़ो, यदि किसी दर से कोई धनराशि, तो जब भी ये कोई धनराशि बोले तो उसको मान लो 100%। कोई धनराशि कितने वर्ष में, 8 या 24 और 25 बटे 3 वर्ष में,
कितने वर्ष में? 25/3 वर्ष में दो गुना हो जाती है। दो गुना होने का मतलब 100% का दो गुना हो गया 200%। आप बताओ मैं परसेंटेज में क्यों कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व? क्योंकि मुझे ब्याज परसेंटेज में निकालनी है, तो भाई परसेंटेज में ही कर दो, बड़े आसानी से खत्म सीधा आंसर। भाई परसेंटेज ही तो निकालनी है, परसेंटेज में क्वेश्चन खत्म। 100% से अगर 200% हो गया तो आप बताओ इन दोनों के अंतर से ब्याज कितनी बन रही है? 100%। लो भैया मेरा आंसर तो आ गया ब्याज का, लेकिन बस ये आपको निकालनी थी वार्षिक। कैसी निकालनी थी? वार्षिक। आप बताइए ये 100% आंसर कितने वर्ष का है? 25/3 वर्ष का, लेकिन निकालना है एक वर्ष का। तो आप बताइए क्या करेंगे आप? 25/3 से करेंगे, तीन गुण के ऊपर पहुंच जाएगा, 25/3 से कर दो डिवाइड, ये एक वर्ष किया जाएगी। तो 25 चौका 100, 4% गुणा 3 करेंगे, आंसर आ गया 12%। खत्म आंसर, आंसर इज ओवर, आंसर इज बी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ क्या? आंसर खत्म। 100% से 200% तो ब्याज बनी 100%, और 100% है 25/3 वर्ष की, तो एक वर्ष की ब्याज होगी 25/3 से, जैसे डिवाइड करोगे बात खत्म, आंसर इज 12%। अरे क्लियर हुआ? बेहतरीन। देख लो सारे क्वेश्चन आपके एसी के हैं, जल्दी फास्ट आंसर बता दो इस क्वेश्चन का, जल्दी फास्ट आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, आंसर क्या आएगा? बेटा आंसर बता दो, देखते ही क्वेश्चन खत्म करने हैं आज आपको, बताइए आंसर। टाइम नहीं लगना चाहिए भाई साहब। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब वैल्यू जो दे रखी है, अगर वैल्यू दे दे तो वैल्यू से उठाओ ना। 225 दो लाख नहीं दो लाख नहीं 22,500 रुपए की धनराशि चार वर्ष में कितनी प्राप्त होती है? 28,800। आप बताओ ये अगर 22,500 की धनराशि 28,800 हो रही है, तो बताओ ब्याज ही तो निकालनी है। ब्याज की दर निकालने का मतलब है ब्याज को परसेंटेज में निकालना है। किसको किस में निकालना है? परसेंटेज में। तो लो भैया परसेंटेज में निकालते हैं। आप बताओ 22,500 की धनराशि 28,800 होगी, तो इन दोनों का अंतर कितना बनेगा? तो 800 में से 500 घटा दो तो कितना आ गया बेटा? 300। और 28 में से 25 घटा 22 घटा दिया तो कितना आ गया? 6। अरे क्लियर है? तो आप बताओ कितनी ब्याज बनी? 6300। और 6300 ब्याज कितने वर्ष में बनी है? 4। हमें निकालनी है एक वर्ष की, तो 4 से यहीं के ही भाग कर दो। अगर यहीं के ही भाग करोगे तो 4 से भाग करिए, तो 4 एकम 4 कितना बचा? 2। 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। अरे क्लियर हुआ? 1575 ये आ गई एक वर्ष की ब्याज। कितने वर्ष की ब्याज आ गई बेटा? एक वर्ष की। लेकिन ये एक वर्ष की ब्याज बन कितने पे रही है बेटा? 22,500। तो आपको ब्याज की दर परसेंटेज में निकालनी, तो इसको रेशियो में देखो, 1575 रुपए की ब्याज बनी, कितने पर बनी बेटा? 22,500 रुपए पर बनी, और गुणा 100। बोलो क्लियर है क्या? तो 000 काट दिया। बोलो समझ में आई बात? और आप बताइए ये नंबर इससे अप्रोक्स कितनी बार कट रहा है? 7 × 14 होता है, तो आई थिंक गारंटेड ये 7 बार ही कट रहा होगा। तो अगर ये 7 बार कट रहा होगा तो आंसर हो गया आपका 7% पर एनम की ब्याज है। आंसर कौन सा राइट होगा बेटा? ए ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या? अरे समझ आ गई बात? यहां वैल्यू दे रखी थी तो वैल्यू को लेके सॉल्व कर दिया, खत्म बात। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मत करो, आ जाओ आंसर बताओ जल्दी फास्ट, देखते ही आंसर खत्म है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही खत्म कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही खत्म कर दो। इस क्वेश्चन में अगर किसी ने पेन भी उठाया तो समझ जाओ जिंदगी झंड है, क्योंकि आपको ब्याज की दर निकालनी है, और जो ब्याज की दर होती है वो ब्याज परसेंटेज में होती है। ब्याज की दर का मतलब है जो ब्याज परसेंटेज में है, और क्वेश्चन पढ़ लो, ब्याज की दर तो परसेंटेज में दे ही रखी है सीधी सीधी, क्वेश्चन तो खत्म है। यहां जिसने बेफालतू की बुद्धि लगाई वो कुछ नहीं है। यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% है, तो ले साधारण ब्याज परसेंटेज ब्याज में दे रखी है 35%, तो ब्याज की दर तो आ गई ना, जो ब्याज परसेंटेज में वही ब्याज की दर है, तो आंसर 35% आ तो गया। लेकिन ये है कितने वर्ष का? 5 का, निकालना है एक वर्ष का, तो 5 से बस भागी तो करना था, तो आंसर आ गया सीधा सीधा 7%। आपको शायद मेरे हिसाब से SIR और PRT पर 100 लगाने भी नहीं है, बेफालतू में क्यों करो? आंसर कौन सा राइट है भाई साहब? बी ऑप्शन, खत्म आंसर। बस मेरी इस बात को जो समझ गया कि जो ब्याज परसेंटेज में होती है उसी को ब्याज की दर कहते हैं, तो क्वेश्चन आसानी से खत्म है भाई साहब आपके।
बिना किसी ज्यादा मीनिंग के एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, कहां गया पी, कहां गया आर, कहां गया टी, ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतनी छोटी छोटी भाषा में समझ लो, ब्याज की दर का मतलब है ब्याज परसेंटेज में, और ब्याज परसेंटेज में कितने परसेंट है 35, तो आंसर आ चुका है 35%, लेकिन वो कितने वर्ष का है 5, निकालना है 1 वर्ष का, तो 35 को भाग कर दो तो आंसर आ गया 7%। बोलो क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन देखो भाई, अभी इन क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी जल्दी फास्ट। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर बताओ। आप बताओ, मजे की बात देखो, आज ब्याज दे रखी है, साधारण ब्याज किसमें दे रखी है, आज रेशियो में, और ये बताओ ब्याज की दर निकालनी है तो ब्याज परसेंटेज में निकालनी है, ब्याज रेशियो में दी है, रेशियो को परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 ही तो करना है, क्वेश्चन तो खत्म ही है। अरे क्लियर है, पर देखो अब यहां पर क्वेश्चन सुनना भाई, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज किसी निश्चित धनराशि का आर वर्ष में आर परसेंट की वार्षिक दर से, आर परसेंट वार्षिक दर से कितना ब्याज है 4/25, तो बताइए आर का मान क्या होगा। तो एक बात बताओ, मोटी मोटी भाषा में बताना, ब्याज की दर दे तो रखी है, एक वर्ष की कितने परसेंट आर परसेंट, एक वर्ष की आर परसेंट, और कितने वर्ष की बात हो रही है आर वर्ष की, तो इनटू आर। बोलो मोटी मोटी बात समझ आ गई, यही तो ब्याज बनेगी टोटल। अरे बोलो, यही तो ब्याज बनेगी, एक वर्ष में आर परसेंट तो आर वर्ष में आर परसेंट, और यही ब्याज आपको कितने के बराबर दे रखी है 4/25, और आप बताओ ये ब्याज किसमें बनानी है आपको परसेंटेज में, तो भाई गुणा 100 कर दो बस। अरे बोलो क्लियर है, तो 25 चौका 100, तो आप बताओ ये सीधा सीधा आर परसेंट का स्क्वायर था, और आर परसेंट स्क्वायर अगर 16 है, अगर ये 16 है तो आर परसेंट सीधा सीधा कितना आ गया भाई, ये बता दो 4, तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 4%, खत्म आंसर। क्या है भाई साहब, ब्याज को ब्याज, जो ब्याज को पढ़ना सीख गया परसेंटेज में, क्वेश्चन खत्म है। एक वर्ष में ब्याज आर परसेंट, तो आर वर्ष में आर इंटू आर परसेंट, मतलब आर स्क्वायर परसेंट, और वही ब्याज दे रखी है 4/25, लेकिन इधर को अगर परसेंटेज है तो इधर को परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 कर दो, 25 चौका 100, यानी आर स्क्वायर सीधा सीधा 16 है, आर स्क्वायर 16 है तो आर कितना होगा 4, क्वेश्चन खत्म। बोलो क्लियर हुआ, अगर ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो तो एक क्वेश्चन और आया था जीडी के अंदर ही आया था, पहले मैं उस क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी फास्ट, इसकी हिंदी थोड़ी अलग है, ध्यान रखना क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वर्ष और ब्याज की दर आपस में क्या है बराबर, ऐसा ही तो पिछला क्वेश्चन था आर परसेंट और आर, बताओ आंसर बताओ। बस इसकी हिंदी सही है, इंग्लिश सही है इसकी, ब्याज जो बन रही है सिंपल इंटरेस्ट जो बन रही है वो 1/9 है, तो ब्याज की दर दे रखी है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टाइम और रेट परसेंट इन दोनों की वैल्यू बराबर है एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है पहली लाइन में, दर प्रतिशत और टाइम की वैल्यू बराबर है, और जो एसआई है वो कितनी बन रही है बेटा आप बताइए 1/9, ये एसआई की वैल्यू है, खत्म करो क्वेश्चन। मुझे आंसर चाहिए जल्दी फास्ट, वेरी गुड, सबका आ गया, ले लो भैया क्वेश्चन करते हैं। आप बताओ एक वर्ष की ब्याज मैंने कितनी मानी x परसेंट, एक वर्ष की ब्याज x परसेंट, और कितने वर्ष की बात हो रही है x वर्ष की, तो इंटू x और कर दो, तो ये टोटल ब्याज आ गई x परसेंट इंटू x टोटल ब्याज आ गई, और यही टोटल ब्याज कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1/9, लेकिन इधर को ये ब्याज परसेंटेज में है, इधर को भी परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 कर दो, तो आप बताओ ये क्या बन गया भाई साहब एक्स स्क्वायर परसेंट बराबर 100/9%। अरे क्लियर है, लेकिन आप बताइए एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आएगा 100 का अंडर रूट क्या आएगा 10, और इसका क्या आएगा 3, आंसर आ गया 10/3%, ले खत्म क्वेश्चन, 10/3% कितना होता है 3/1/3, खत्म का आंसर। अरे समझ गए आप, तो जो ब्याज परसेंटेज में है उसे सीधा सीधा टांग दो, क्वेश्चन खत्म। तो टोटल ब्याज टांग दी, ब्याज को परसेंटेज में लिख दिया, ब्याज परसेंटेज में लिखते ही ब्याज के बराबर किया, क्वेश्चन खत्म हो गया। लो एक वर्ष में
एक एक्स परसेंट, तो एक्स वर्ष में एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर परसेंट, और वही ब्याज दे रखी है 1/9, लेकिन उसे परसेंटेज बनाएंगे गुणा 100, बस एक्स स्क्वायर बराबर 100/9, तो एक्स बराबर 10/3, क्वेश्चन खत्म। सर समझ में आई बात? चलिए भाई आइए नेक्स्ट, ये आंसर समझ आ गया। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी, फास्ट फास्ट। चलो भाई एक मिनट रुको, चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी फास्ट, यहां से उठाते हैं फिर इस तरह के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी फास्ट। जल्दी फास्ट फास्ट आंसर बता दो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी टाइप के बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं, इस टाइप को भी खत्म करते हैं, जल्दी फास्ट आंसर बताओ। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू के अकॉर्डिंग सोचेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक राशि है, एक धनराशि है, वो धनराशि पता नहीं है। क्वेश्चन सुनना, एक धनराशि है, वो धनराशि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है बेटा? 8000। लेकिन वही धनराशि 8 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष से 3 वर्ष और आगे चले जाओ, तो टोटल 8 वर्ष हो गए, टोटल 5 और 3 8, और ये 8 वर्ष में हो रही है 9800 रुपए। तब ये कह रहा है कि बताओ ब्याज की दर क्या होगी, आप बताओ ब्याज की दर निकालनी है, तो एक वर्ष की ब्याज निकालो, और वो ब्याज अगर ये साधारण ब्याज है तो वो बनेगी हमेशा मूलधन पे, तो आप बताओ एक वर्ष की ब्याज तो यहां से भी निकल सकती है। अगर 8000 रुपए 9800 रुपए हो गए तो ये पैसे कितने बड़े, पहले तो ये बताओ, तो ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर आ रहा होगा 1800 रुपए। लेकिन 1800 रुपए बढ़े कितने वर्ष में बेटा? 3 में। अगर ये 3 वर्ष में 1800 बढ़े हैं तो एक वर्ष में कितने बढ़ेंगे, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो इसका मतलब एक वर्ष की ब्याज कितनी आ गई बेटा? 600। अगर एक वर्ष की ब्याज आ गई 600, आपको ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, तो आप बताइए ये जो 600 एक वर्ष की ब्याज है, इसे ये बनी किस पे होगी? अगर ये ऐसा ही है तो ये बनी भाई साहब इस धन पे होगी, और मूलधन हमें पता नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। बिना मूलधन के ब्याज निकलेगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब? एक वर्ष की ब्याज है 600, अगर एक वर्ष की ब्याज 600 है तो पहले 5 वर्ष की ब्याज बताओ 600 के हिसाब से कितनी बनेगी, तो 600 के हिसाब से 5 वर्ष की ब्याज बनेगी 3000। और आप बताओ अगर ये 3000 ब्याज है तो मूलधन में 3000 जुड़ के ही तो 8000 बना होगा, तो 8000 में से 3000 घटा दो तो आपका ये मूलधन रहा होगा 8000 माइनस 3000, इसका मतलब मूलधन रहा होगा 5000। अरे क्लियर है? इसका मतलब अगर ये साधारण ब्याज है तो ये 600 ब्याज वास्तव में किस पर निकाली गई थी? 5000 पर। तो रेट परसेंट निकालने का तरीका, कितनी ब्याज बनी एक वर्ष में? 600। कितने के धन पे बनी? 5000, और परसेंटेज कर दो गुणा 100, तो 1020 ये काट दो, 10 ये काट दो, और 5 से काटा 12, तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 12%। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आंसर आपका कौन सा राइट होगा बेटा? सी ऑप्शन। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे मैं सारे क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं। अब मैंने आपको फंडा बता दिया कि ध्यान रखना जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो पहले जो गैप है उसकी ब्याज निकालो, और आपको ये पता है कि वो इतने वर्ष में बनी तो उसे डिवाइड करके एक वर्ष की ब्याज निकालो, और जैसे ही एक वर्ष की ब्याज आ जाए तुरंत टाइम पता है उतने वर्ष की ब्याज निकाल के मिश्र धन में से वो माइनस करोगे तो मूलधन आ जाएगा, और ब्याज पता लग गई, मूलधन पता लग गया, तो ब्याज को मूलधन से रिलेट कर लो, यही रेशियो आपको बता देगा कि कितनी ब्याज की दर थी। सर समझ में आई बात? वेरी गुड बेटा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ऐसा ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आगे, गौर से सुनना जल्दी फास्ट। नहीं ये नहीं है, बताइए भाई ये नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये रहा आंसर, बताइए जल्दी फास्ट सबके सब इस एसएससी जीडी के इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसमें मूलधन भी निकलवाया है और ब्याज की दर भी निकलवाई है, इसमें मूलधन भी पूछा है और ब्याज की दर भी पूछी है, जल्दी फास्ट। और इसके बाद दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका पहला ये रिवीजन हो जाए, इसके बाद दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर करेंगे क्लास को ओवर।
तो ध्यान रखना सभी के सभी बच्चे कहीं नहीं जाएं, सिर्फ आपको दो क्वेश्चन की और मेहनत बची है, इसके बाद उन दो मेहनत को और कर लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी और बात फिर करेंगे कल, ये टाइप ओवर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलिए भाई आइए, आज आपको समझ में आ गया होगा साधारण ब्याज का मतलब है ब्याज निकाल के मूलधन पे बात सेट करनी है। देखो क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित धनराशि, एक धनराशि है, वो धनराशि पता नहीं है, लेकिन वो धनराशि दो वर्ष में, वो धनराशि दो वर्ष में कितनी हो रही है 8,640, लेकिन वही धनराशि तीन वर्ष में, तो तीन वर्ष का मतलब है दो वर्ष तो ये हो ही गए, एक वर्ष और आगे जा रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, और ये अगले एक वर्ष में मतलब टोटल तीन वर्ष में हो रही है 9,720। तब कह रहा है कि भाई मूलधन बताइए, मतलब ये निकालिए और ब्याज की दर निकालिए। तो अब क्या करें, अगर ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में सीआई में भी करवाऊंगा ध्यान रखना, लेकिन वहां तौर तरीके अलग होंगे, यहां तौर तरीके अलग हैं। तो सुनिए भाई, आप बताओ ये जो गैप है, इस गैप को देखो, 8,640 से एक साल में 9,720 हो गए, तो ये पैसा जो बढ़ा होगा वो ब्याज का ही तो बढ़ा होगा, और सीधी सीधी एक साल की ब्याज बताओ कितनी बढ़ी, तो इन दोनों का अंतर देखो, तो आप बताइए जीरो और ये हो गया 8, 12 में 4 गया तो 8, 6 में से 6 गया तो 0, और ये हो गया 1,080। इसका मतलब एक साल में 1,080 ब्याज बनी है, और हमारे लिए इंपोर्टेंट एक साल की ब्याज होती है, एक साल सीधा सीधा बैठा है 1,080 पे। अगर 1,080 पे एक साल बैठा है तो बताओ दो साल 1,080 के हिसाब से ब्याज कितनी देगा, तो ये जाएगा आपका 0, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, तो 2,160। बोलो क्लियर है? और अगर ये ब्याज इस मूलधन में जुड़ के ही तो मिश्रधन बना होगा, तो मूलधन कितना होगा पहले तो ये निकाल दो, तो ये जो मिश्रधन है इसमें से ये वाली ब्याज को निकाल दो, अपने आप मूलधन सेट है। 8,640 में से अगर आप 2160 घटाओगे तो आंसर आएगा 0, 8, 5 में से 1 गया तो 4, और ये हो गया 6। क्या कोई ऑप्शन में 6,480 बैठा है? तो दो ऑप्शन में बैठा है 6,480, तो ये दो ऑप्शन तो हो गए गलत, तो आपके दो ही ऑप्शन राइट हो सकते हैं, दैट इज आइदर सी ऑप्शन और आइदर डी ऑप्शन। लेकिन भाई इसके बाद रेट परसेंट भी सेट करनी है, तो आप बता दो रेट परसेंट कैसे सेट होगी, तो आप बताइए ब्याज चाहे कहीं भी निकाल लो, अगर वो एसआई बैठी है तो वो ब्याज बनेगी हमेशा कौन से धन पर, मूलधन पर, तभी तो वो एसआई है। तो आप बता दो एक वर्ष में कितनी ब्याज बनी, 1,080 की ब्याज बनी, कितने मूलधन पे बनी, 6,480 पे बनी, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। बोले आप बताओ भाई जीरो से जीरो कटा, आप बता दो ये नंबर को हम 4 से काट देते हैं, ये नंबर को अगर हम 4 से काट दे 108 होता है, तो आप बताओ 4 एकम 4 और 2 बचा 4 से की 24, 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा 25 बार। बोलो क्लियर हुआ? आप बताइए भाई और नंबर कर सकता है था क्या, ये 6 और 2 8 और 1 9, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 8 72 और 9 12 नम्मा 108 12 बार, और 6 से फिर काट दूं तो भाई 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12 25 दूनी 50 बटे 3%। आप बताओ इसका मतलब 6,480 में जो फ्रैक्शन में बैठी होगी वही मेरा आंसर है, और फ्रैक्शन में नीचे 3 होना चाहिए, 6,480 में नीचे देखो फ्रैक्शन में 3 बैठा है, तो आंसर कौन सा राइट हो गया भाई, सी ऑप्शन। तो आंसर राइट होगा इसका सी ऑप्शन। बताओ ऐसे क्वेश्चन समझ आ गई क्या, बताओ समझ आ गया क्या क्वेश्चन करना, वेरी गुड बेटा, ध्यान रखना मैं हर तरीके क्वेश्चन करा दे रहा हूं, मैंने आपको ये बता दिया कि ब्याज की दर क्या होती है, और ब्याज की दर अगर सीख गए तो आप ये समझ लेना एसआईसीआई आपके हाथ में है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए भाई अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो चुटकियों में, दो क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन इसके बाद, बस मैं ये देखूंगा आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन करते हैं, जल्दी फास्ट, कितने लोगों ने मेरी बात पकड़ी है आंसर बता दो भाई, जल्दी आंसर बता दो जल्दी फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी फास्ट फास्ट। देखो भाई जितने लोगों ने इस क्वेश्चन में टाइम लिया, सच बता रहा हूं जिसने रेशो लिखा है ना वो कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है भाई, सीधा सीधा बैठा है। देखो भाई यहां, हेलो यहां देखो बेटा, यहां देखो, सारे के सारे करना बंद कर दो, देखो तुम्हारे पता नहीं कौन सा तौर तरीका है मेरा, देखो यहां आप बताओ 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, तो ले ऐसा ही तो चाहिए,
10:3 है तो ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर क्या होती है ये बता दो। ब्याज की दर होती है जो ब्याज परसेंटेज में होती है उसे ब्याज की दर कहते हैं। ब्याज की दर क्या होती है, 100 रुपए की जो ब्याज होती है उसे ब्याज की दर कहते हैं भाई। जो ब्याज परसेंटेज वो ब्याज की दर, जो 100 रुपए की ब्याज वो ब्याज की दर। अरे एक बात बताओ रे, 10 रुपए पर कितनी ब्याज बन रही है, 3। अगर इसे 100 रुपए बनाना हो 10 को तो एक जीरो ही तो लगानी पड़ेगी। इसका मतलब सीधी सीधी सेट है कि 100 रुपए पर 30 रुपए ब्याज है, और 100 रुपए पर 30 रुपए ब्याज है तो ब्याज की दर कितने परसेंट हो गई, ले क्वेश्चन खत्म, 30%। लेकिन ये 30% कितने वर्ष की है, 5 की निकालनी, 1 वर्ष के 5 से भाग कर दो, यही कि आंसर हो गया 6%। ले मजा, लो मजा भाई साहब। आपको ना कोई रेशियो लिखना ना कुछ करना, अगर आप बुद्धि में सेट लेके बैठे हैं कॉन्सेप्ट, तो 10 रुपए पर 3 रुपए ब्याज, तो 100 रुपए पर 30, और 100 रुपए पर 30 का मतलब 30%। इसका 30% कितने वर्ष की है, 5। अगर 5 वर्ष में 30% तो 1 वर्ष में 6%। मुंह जवानी, क्वेश्चन खत्म। इज इट क्लियर, देख लो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी, अगले का जो मैं दे रहा हूं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कौन कौन इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी उड़ाएगा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कौन इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी उड़ाएगा भाई। समझ गए होंगे तौर तरीके, जल्दी फास्ट। लो भाई तुम कहते हो फॉर्मूले से कर दो, फॉर्मूले से करवा लो। लो देखो फॉर्मूला, क्वेश्चन कह रहा है उसी धनराशि पर, मतलब धनराशि सेम है, उसी ब्याज दर से, ब्याज दर सेम है, टाइम अलग अलग है, 4 वर्ष का और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात बताओ, एसआई का अनुपात पूछ रहा है। आप बताओ रे, ले तुम्हारे फॉर्मूले से करता हूं, एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर परसेंट इंटू टी, यही होता है क्या, एसआई बराबर पी इंटू आर परसेंट इंटू टी पढ़ रखा है ना। आप ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या चीज सेम दे रखी है, धनराशि सेम है और ब्याज की दर सेम है, तो अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो इनका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या मैं कह सकता हूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एसआई जो है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पर। तो आप बताओ टाइम की बात दे रखी है, एसआई की बात पूछी गई है, तो एसआई उसी से तो सेट होगा जिस रेशियो में टाइम होगा। ले क्वेश्चन खत्म, टाइम का रेशियो बता दो, टाइम क्या क्या है, पहले का 4 वर्ष, दूसरे का 6 वर्ष, तो भैया काट के बता दो ये अनुपात कितना आ गया, 2:3। लो ये टाइम का अनुपात है, लेकिन यही टाइम का अनुपात वास्तव में क्या डिनोट करेगा, एसआई। क्वेश्चन खत्म, क्लियर हुआ नहीं हुआ, सर समझ में आई बात, अब गौर से सुन लीजिए। नेक्स्ट बात, मैंने आपको लास्ट टाइम तक क्यों रुकने को कहा, आपके रेट परसेंट समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन आज आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भैया मेरे एक बात गौर से सुन लो, आज मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए, वो कॉन्सेप्ट की स्लाइड कहां गई भाई, गौर से सुन लो भाई, ये रहा, इसको जो बंदा समझ गया, रेट परसेंट उसकी मुट्ठी में है। मैंने आज यही बोला कि ध्यान रखना, जो ब्याज परसेंटेज में उसे कहते हैं ब्याज की दर, जो ब्याज परसेंटेज में उसे कहते हैं ब्याज की दर। ब्याज की दर होती है ब्याज और मूलधन का रेशियो, ब्याज और मूलधन का रेशियो। ब्याज की दर होती है 1 रुपए की ब्याज, अगर आर परसेंट में पढ़ रहे हो तो 1 रुपए की ब्याज, या फिर 100 रुपए में पढ़ रहे हो तो रुपए में ब्याज, 100 रुपए पे जो रुपए में ब्याज बनती है वो ब्याज की दर, ब्याज की परसेंटेज को ब्याज की दर, ब्याज बटे मूलधन के रेशियो को ब्याज की दर। लो भाई कितने तरह से बताऊं, सैकड़ा पे जो ब्याज बने वो ब्याज की दर, 1 रुपए पर परसेंट में जो बने वो ब्याज की दर। अरे क्लियर है या नहीं है, तो शायद मेरे हिसाब से ब्याज की दर क्लियर हुई होगी, आप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात गौर से सुन लेना, अब सारे के सारे कॉपी पेन रख दो अलग, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है, और वो काम ये है कि आप अब यहां पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जितेंद्र सर को, जितेंद्र सर आ रहे हैं और वो आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उनकी ढंग से बात सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या आपके साथ वो वार्तालाप करेंगे, इसलिए आज सामने आ रहे हैं आपके जितेंद्र सर। बेटा मैं उनको माइक दे रहा हूं, ओके आप ढंग से सुनना जो भी वो कहें इस बात को। चलिए भाई कैसे हैं मेरे दोस्तों, आप सारे अच्छे ही होंगे। अभी बहुत सारे बच्चे मोहित मलिक सर की क्लास में जुड़े हुए थे, और एक अनाउंसमेंट मैं भी आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंसमेंट हो गई है, और एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो 10 जनवरी से एग्ज़ाम, दिसंबर से ही शायद है, जनवरी, हाँ 10 जनवरी से आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, और 14 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा।
तो बहुत सारे बच्चे हैं, कल से जैसे डेट अनाउंसमेंट हुई है मेरे पास मैसेज व्हाट्सअप से कॉल वगैरह भी आ रहे हैं, ऑफिस में आके भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इतने कम टाइम पे कैसे अच्छे से तैयारी करें। तो मेरे दोस्तों, जो तैयारी आपकी पहले रही है या आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, संस्थान तो सिर्फ आपकी मदद कर सकता है। और उसी के लिए मैं एक अनाउंसमेंट आपके लिए करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे हॉस्टल बैच के लिए तो मैंने आपके यहाँ पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था, एक मंडे से एक संस्थान नाइट बैच स्टार्ट करने के लिए जा रहा है, जिसमें शाम को 6 बजे से लेके 12 बजे तक रेगुलर 6 घंटे की क्लासेस चलने वाली है। और उसमें डेली 4 घंटे की क्लास रहा करेगी, 1 घंटे का एग्जाम रहा करेगा और 1 घंटे के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग रहा करेगी। किसी भी कारणवश अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है और आप चाहते हैं कि आपको इस 45 दिन में वर्दी मिल जाए, 45 दिन में नौकरी मिल जाए, तो आप ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं। आप सारे बच्चों के लिए पूरा टीचर्स के साथ कमिटमेंट करके पूरा सिलेबस वगैरह डिजाइन कर लिया गया है। हमारी भी हमेशा कोशिश रहती है कि जब कोई भी वैकेंसी आए और जब उस वैकेंसी में सिलेक्शंस की बात आए तो उसमें सबसे पहला नाम सारथी एकेडमी का होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रीवियस रिजल्ट भी हमेशा ये दोहराता रहा है कि इसके लिए बिल्कुल इतिहास गवाह है कि जब भी कोई भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ है सारथी IAS एकेडमी हमेशा उसमें अव्वल रहा है। चाहे पुलिस की बात कर लो, चाहे CGL की बात कर लो, चाहे TET की बात कर लो, चाहे CTET की बात कर लो, चाहे डिफेंस के रिजल्ट की बात कर लो, आपने देखा होगा बहुत सारे फंक्शन हमेशा हम करते रहते हैं। जब भी हमारा रिजल्ट होता है बच्चों को आपसे रूबरू कराते रहते हैं। मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी तरीके से टीम मेहनत पर लगी हुई है। जब SSC GD का एग्जाम आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ना कि सिर्फ मथुरा में, पूरे आगरा मंडल में आप देख लेना, सबसे ज्यादा चयनित बच्चा आपके संस्थान से ही होने वाला है। अगर आप भी किसी भी कारणवश अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, 45 दिन के चक्कर में अगर आपको डर लग रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, संस्थान पूरा आपको पढ़ाई का शेड्यूल बना के देगा, संस्थान पूरा किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं वो आपको करके देगा। उसके बाद 24 घंटे के जो टाइम आपको मिलता है एक दिन में, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, बीच बीच में जो अंदर नीरसता आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, उन सारी चीजों की व्यवस्था संस्थान कर रहा है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी बच्चे यहां संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक अनाउंसमेंट और आपके लिए करा देना चाहता हूं। एक ओपन एग्जाम हमने रखा है, और ओपन जो एग्जाम है वो भैया आपका होगा वेडनेसडे में या ट्यूजडे में। तो पूरी संस्थान में जितना भी बच्चा यहां पढ़ता है उसके लिए एक ओपन एग्जाम हम रख रहे हैं, और ऑफलाइन एग्जाम होगा। कोई अदर भी संस्थान से अगर बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ सकता है, उसके लिए भी नाइट बैच में छूट दी जाएगी। आपका जो एग्जाम की जो एक्चुअल डेट है वो मंडे को मैं डिसाइड करूंगा कि ट्यूजडे को होगा कि वेडनेसडे को होगा, मगर 1000% एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का जो पूरा पैटर्न रखा जाएगा वो SSC GD पर रखा जाएगा, जिसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अभी चयनित हो जाएं, और बेटा देख लेना, पिछले काफी सालों से वैकेंसी भी नहीं आ रही है, वैकेंसी भी आती है बड़ी लिमिटेड आती है, अगर आप 2023 में नौकरी नहीं लगे तो आने वाला जो टाइम है बड़ा टफ होने वाला है नौकरी को लेके, पूरी तरीके से जाग जाएं, अंदर से मोटिवेशन लेके आए। अब बेटा जो आपका ऑनलाइन क्लासेस है वो उसी टाइम से चलता रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल तो हमने लगा रखा है। देखो आपने देखा होगा संस्थान ऑफलाइन में पूरी तरीके से मेहनत कर ही रहा है, ऑनलाइन में हमेशा संस्थान पूरी तरीके से मेहनत कर ही रहा है। और जो कमिटमेंट आपसे किया जाता है, कोशिश हमेशा की जाती है उस कमिटमेंट पे पूरी तरीके से खरा उतरा जाए। जिस दिन से हमने आपने देखा होगा लाइव क्लासेस स्टार्ट की है, अगर कोई टेक्निकल एरर नहीं रही हो, एक भी दिन क्लास डिस्टर्ब नहीं हुई होंगी, शेड्यूल ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे हो गया हो किसी भी क्लासेस का, मगर 3 क्लास आपकी प्रॉपर चल रही है, GS की क्लास, मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास। अभी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है गोविंद सर की क्लास होने वाली है, और मैं कई बार आपको बता चुका हूं GS में सबसे बड़ा जो रोल है वो स्टैटिक GS का और करंट अफेयर का है। अगर SSC GD क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्लास बिल्कुल मिस ना करें, और अगर नाइट बैच के बारे में अगर आप सूचना लेना चाहते हैं तो ऑफिस में आके कॉन्टेक्ट करें और मैडम से जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली क्लास होगी गोविंद सर की। धन्यवाद। बेटा ये सर नंबर लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहे हैं, अगर आप कोई क्वेरी चाहते हैं तो बात कर। बेटा अगर कहीं बाहर से हैं आप और आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं नंबर लिख देता हूं यहां पे 7452
9607777। ये नंबर है, कोई सर अपना एक नंबर बता देना, 7017296219। बेटा ये दो नंबर हैं, आप किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और तैयारी करें, मेहनत करें, क्योंकि नौकरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो अगर आप हमारी हेल्प उसमें कुछ हो सकती है तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। धन्यवाद।